बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने सेनेटर आजम सवाती पर सूबे भर में दर्ज तमाम मुकदमात खत्म करने और इन्हें बरी करने का हुक्म दे दिया। तफसीलात के मुताबिक बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हाशिम काकड़ के रूबरू आजम सवाती पर दर्ज मुकदमात के हवाले से समाअत हुई। आजम सवाती पर दर्ज मुकदमात के खिलाफ इनके बेटे ने दरख्वास्त दायर की हुई थी। चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने समाअत के बाद दरख्वास्त मंजूर करते हुए तहरीक इंसाफ के सेनेटर आजम सवाती पर बलूचिस्तान भर में दर्ज तमाम मुकदमात खत्म करने का हुक्म जारी कर दिया और हिदायत दी कि इन्हें रिहा कर दिया जाए। राना सनाउल्ला खान ने मॉडल टाउन लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि बरतानवी अखबार डेली मेल ने अपनी गलती तस्लीम की। शरीफ फैमिली की बेगुनाही दुनिया से साबित हो रही है। इमरान खान और शहजाद अकबर झूठे इल्जामात पर माफी मांगे। राना सनाउल्ला का कहना था कि हुकूमत का काम इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई करना नहीं बल्कि कानून साजी करना है। नैब का कानून बेहतर कर दिया है ताकि इंतकामी कार्रवाई न हो। चेयरमैन नैब से मुतालबा करता हूँ, मेहरबानी करें, आप मेरिट पर काम में इतनी ताखीर न करें कि सब्र का पैमाना लबरेज हो जाए। इनके खिलाफ सख्त तादीबी व एहतसाबी कार्रवाई करें। लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ के हद तक इज्जत दावे में इमरान खान के दिफा का हक खत्म करने के खिलाफ अपील मुस्तरद कर दी और ट्रायल कोर्ट का फैसला बरकरार रखा। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल ने इमरान खान की अपील पर फैसला सुनाया, जिसमें इमरान खान ने ट्रायल कोर्ट के दिफा का हक खत्म करने के फैसले को चैलेंज किया था। हाई कोर्ट ने मातहत अदालत का इमरान खान का हक के दिफा खत्म करने का फैसला दुरुस्त करार दे दिया। शहबाज शरीफ ने इमरान खान के खिलाफ हद तक इज्जत का दावा किया हुआ है। ट्रायल कोर्ट ने शहबाज शरीफ के सवाल के जवाब न देने पर इमरान खान का हक के दिफा खत्म कर दिया था।